छत्तीसगढ़ में पुलिस एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती है तो दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में हुए रेप की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। हम इस वक्त खड़े हैं रायपुर के बस स्टैंड में जहां पर महिला का रेप हुआ है। आप ठीक सामने देख सकते हैं वो बस महिंद्रा की ये बस है जहाँ पर देर रात कुछ युवकों ने लाकर महिला का यहाँ पर रेप किया। इसके बाद देर रात पुलिस इसकी कार्रवाई में जुटी और आरोपी को है जो गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक आरोपी है, उसने रेप की घटना को अंजाम देना कबूला है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन महिला के द्वारा थाना टिकरापारा में आके शिकायत किया गया कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, जिस पर से तुरंत थाना टिकरापारा ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल FIR दर्ज कर लिया गया और विवेचना की जा रही है। काफी लोगों के होने का हम लोगों को ये मिला था कि बहुत लोग हैं इसमें इन्वॉल्व ऐसे करके, बट बाद में जब हम लोगों ने बारीकी से छानबीन किया और महिला से बारीकी से पूछताछ किया तो पूछताछ पर से फिलहाल एक आरोपी के ही आने की बात सामने आई। यहाँ से 100 मीटर दूर ही जो है वो पुलिस थाना है। ऐसे में बस स्टैंड में इस तरीके से घटना का होना, रेप की घटना का होना, बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जो है वो सवाल खड़े करता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर छत्तीसगढ़।